इंडिया की सोच और मैं हूं आपके साथ सुनीता। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक महमूदाबाद की जो ग्राम पंचायत है अहबनपुर में, जहां पे एक मामला सामने आया है। 9 महिलाएं हमारे पीछे जो आप तस्वीरों में इस वक्त हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इन महिलाओं की जो समस्या है आप सुन करके एक बार सोचेंगे जरूर, क्योंकि जो गाँव में जो समूह चलते हैं, गाँव की ही 2 महिलाएं इन 9 महिलाओं को चक्रव्यूह की तरह नचा रही है। ये 2 महीने से अधिकारियों के प्रति जा रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, लेकिन इन 9 महिलाओं की कोई अधिकारी, कोई प्रशासन, शासन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये महिलाएं अनपढ़ हैं। और बात है कि यही कहते हैं ना, अपनी बच्चों को जो है एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। माँ बाप नहीं पढ़े हैं तो क्या हुआ, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर दें। ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं इस वक्त, जो महिलाएं हमारे साथ आपको नजर आ रही हैं, ये महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, कोई भी इन्हें बेवकूफ बना सकता है। जब अधिकारी के सामने जाती हैं तो इनको जो है बेवकूफ बना दिया जाता है, क्या पीछे लाइन में लगी, वही पढ़ा लिखा अगर इंसान जाता है तो उसको कुर्सी मिलती है बैठने की। लेकिन मैं जमीनी स्तर की खबर जरूर दिखाऊंगी और मैं इनकी आवाज को दबने नहीं दूंगी। शासन प्रशासन अगर सुन रहा है, ब्लॉक के अधिकारी अगर सुन रहे हैं, तो इन 9 महिलाओं की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं इन महिलाओं से। खड़ी हो जाइए पहले आप, क्या नाम है आपका? रहमाना कोषाध्यक्ष हैं। क्या मामले को लेकर के जो आप 2 महीने से अधिकारियों के सामने चक्कर लगा रही हैं, ऑफिसों के चक्कर लगा रही हैं, आखिर पूरा मामला क्या है बताइए। मामला है यह है कि सही सलामत चले, पैसा निकले, बना क्या चले, चले क्या चले, काम धाम जो लेटरिन जार मिला रहा है, समझदार कारोबार जो मिलते है तो सब वो है, 2-3 जने कर लेती है, सब वो है 3 जने कर लेती है, 2 जने मेहरून में है, अदमिन में है, वो है सब घर भर कर। समूह कौन सा समूह चल रहा था गाँव में? जीवन दीप सहायता समूह। तो ये समूह चल रहा था, इसके अध्यक्ष कौन है? सोनी। तो सोनी जब अध्यक्ष बनी थी तो आप लोगों में जो 11 महिलाएं होती हैं समूह में, हाँ। तो सब में जो है अच्छे से बन रहा था, अचानक हाँ। बात कहाँ से बिगड़ गई? अचानक बात बिगड़ गई जब से चोरी करने लगी, गल्ला बेच। कौन चोरी किया? गल्ला बेचने लगी तब से, मतलब जो राशन वितरण का आता है हाँ, उसमें से बेच बेच किराया भाड़ा दे लगी, तो हम जान पाए तो एक दिन 40 रुपया हम पा दे आए, तो हम नहीं लिहन 40 रुपया में क्या खरीद, तो हम कहन हम सदस्यन के रे प्याट पर लात नहीं मारेंगे, हम ना लिया बस समझ गए कि ये जो हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये 2 महिलाएं हैं, एक का नाम सोनी है और एक का नाम क्या है? रिमझिम। तो ये क्या है, उस जो समूह बना है उसके अध्यक्ष हैं? सोनी अध्यक्ष हैं और रिमझिम शौचालय के देख रेख करती, मतलब समूह में जो काम मिलता है वो आप लोगों को काम मिला था? काम मिला डरई राशन वितरण शौचालय के, तो 2-3 महीना सब कोई मिल के काम करी डरई राशन वितरण के, और उसके बाद में है अकेले करे लगी। जब ममता मैडम बोली कि अब बीसी सखी हो गई हैं वे सोनी, तो अब तुम लोग गल्ला उठायो बनायो बांटियो। अच्छा, कुछ जानकारी मिली कितने सेंटरों पे आप जो है राशन देने जा रहे हैं? 7 सेंटर। 7 सेंटर? 7 सेंटर। कहाँ से उठाती है राशन? कार्यालय से ही, महमूदाबाद। महमूदाबाद से जो कार्यालय होता है जहाँ पे राशन आता है, जो समूह के द्वारा जो महिलाएं जो कार्यकर्ता रखी जाती है, समूह बनाया जाता है, 7 सेंटरों पर ये महिलाएं जो है कहे से राशन लेके जाती, खोपड़ी पर ऑटो ऑटो से। किराया उसका कौन देता है? किराया अपने तीर से दिया जाती है, अपने तरफ से किराया जो है महिलाएं दे रही हैं, गल्ला बेच दई देती हैं। हम लोग 2 महीना खाली लाए हैं ना, दे गए हम, झूठ ना बोलबे, उनका दे घर न जाए हमका सब पहुँच जाए, तो 2 महीना हम लाए हैं ना, 2 बार दे गए। तिबारा जब कार्यालय कहा उठावे गए तो संगीता मैडम के सामने और स्वीटी अध्यक्ष दूसरे समूह के रही अगैया के रही, उनके सामने हमारी रिसीविंग छीन। अच्छा, इसके लिए आपने कहीं शिकायत की? शिकायत की है ना, तो यही हुआ से नहीं तो गिराए कहे हैं ममता सचिव कहे हमारी, जब ये लोग आपका क्या नाम है? क्या है ऐसा, क्या हो गया कि अचानक आपके समूह जो बनाया जाता है, जो संगठन बनाया जाता है एक तरीके से साथ रहने के लिए बनाया जाता है, जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजना मिलती है, जो भी पैसा मिलता है, एक 11 लोगों का जो समूह बनाया जाता है, सभी में जो है बराबर का बंटवारा होता है, लेकिन यहीं पर कुछ लालची जो महिलाएं होती हैं, अगर 10 लोग हैं अगर एक महिला लालची निकल गई तो सारी पूरा संगठन ही बेकार कर देती, पूरा समूह ही खा के बैठ जाती है। लेकिन यही मामला अहबनपुर ग्राम पंचायत का मामला सामने आया, जो महिलाएं आप देख रहे हैं 9 महिलाएं हैं, ये बुजुर्ग महिला है। माता जी क्या नाम है आपका? जानकी। पढ़ी लिखी है आप? नहीं बाबू, नहीं पढ़ी है।
साइन मान कर लेते हैं नहीं करते। तो कोई कहेगा कि अंगूठा लगा दो और हम पैसा निकाल ले तो अंगूठा लगा दोगी? ना लगाई भाई का ना लगाई हो। तो कैसे आप लोगों के साथ धोखा हो जा रहा है? तो बाबू तुम जानो हम कहे जनपद हम थोड़े ना समूह चलाते हैं जनपद तो हम नहीं जान पाएंगे। और एक रुपया नहीं मिला है जो कहा एक रुपया मिला हो या पैटी के दाल उड़ी है। अच्छा ये कितने दिन से समूह चल रहा है? समूह चल रहा है 2 साल अक्टूबर में। 2 साल चले अयो का 2 साल से समूह चला रहे? 2 साल हो गए हैं अब है जुलाई अगस्त महीना। और गल्ला वाला कितने दिन में कुछ मिला आप लोगों को? नहीं तो डरई राशन वितरण के काम मिले अक्टूबर में। कुछ पैसे को लेन देन को जो है पैसा लेन देन जाते हैं वहाँ विड्रॉल भरी। जैसे कोई सदस्य 5,000 लेना चाहते हैं ऋण तो गई तो वहाँ 10,000 के यार भर दी विड्रॉल। अब हम पढ़े नहीं हैं तो खाली साइन कर जाने के तो साइन नीचे हम कर दिए। वो 10,000 निकलो तो 5,000 सदस्य के प्रस्ताव पास भरा है तो वो का दे दी 5,000 भरी ने अपने। तो आप लोगों ने 11 लोग हैं जैसे महिलाएं तो 11 लोगों ने एक बार मीटिंग जो है करना चाहिए था और पूरी बात को समझना तो चाहिए था ना कि अधिकारियों के पास दौड़ भाग करना चाहिए था। मीटिंग के लिए ये सब बंदे हलप उठाई तो कहीं रहीमाना कहीं बोलो तो कहीं रहीमाना को हम फूटी नजरों से देखना नहीं चाहते। यानी कि रहीमाना है तनिक चाला होशियार तो इनका लोगों ने कुछ बता दिया। वो ऐसा कहा नहीं कि हमको क्यों नहीं देखना चाहते हो आखिर हमारे में क्या कमी है जो फूटे नजरों से नहीं देखना चाहते। कहन जाए तो उनका काम है इधर उधर सुलह करावती समझौता करा दे। कौन ब्लॉक का कौन अधिकारी है? ब्लॉक के अधिकारी IDO कहन ममता मैडम संगीता सैनी सबसे कहन ये सब अधिकारी है। तो जो आप 9 महिलाएं हमारे साथ खड़ी है सबको यही समस्या है। इनका नाम है आपका? सकीना। एक रुपया नहीं इनका सबसे मेन प्रधान हाथ। तो अभी आप क्या चाहती हैं? चाहते हैं हम यू कि सब रुपया जत्ता नहीं बनाई नहीं सब ब्यौरा पे अकाउंट में नहीं आता है आवत रहे तक अब नहीं लगाई भी नहीं दोसर 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 अकाउंट नंबर लगाई आ रहा है। तो पढ़े लिखे जाता है क्या? हां वही BA MA सब के है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत प्रधानमंत्री बन गए तो जो आम जनता है उसको बेवकूफ बना दिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जब कोई बनता है जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो ये जो आम जनता है इसी की बदौलत तो प्रधानमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको ये जनता के द्वारा जो ताज पहनाया गया है अगर वही मुख्यमंत्री जी जो जनता की ना सुने तो क्या फायदा है मुख्यमंत्री बनने से? क्योंकि आम जनता ही जब एक वोट डालती है उस वोट की कीमत तो एक मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए जो यहाँ का मामला हम आपको बता रहे हैं इन महिलाओं की जो पढ़ी लिखी न होने के कारण इनको जो समस्या आ रही है विपक्ष की महिला खड़ी है मैं उनसे भी जानकारी कर लेती हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? पति का क्या नाम है आपके? सांडली। और क्या है जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है और सोनी पर और आप पर क्या है सच्चाई? सच्चाई यह है कि इनका हम शौचालय दे दें गल्ला वितरण दे दें और सब सब कहा पर हाथ लगा दें बस यह सच्चाई। तो समूह जब बनाया गया था तो आप लोगों ने 11 लोग बैठ करके मीटिंग किए होंगे तभी तो समूह चलता है। समूह एक लोगों से नहीं चलता है तो फिर अचानक बात कैसे बिगड़ गई? अचानक यह सब जाना जैसा बिगाड़ी हूँ नहीं वो उन्होंने अपनी बात रख दी। लेकिन आप अपनी बात रखें गल्ला वितरण है तो हम जिठानी कर रहे हैं ठीक और राशन है शौचालय तो हम रहते हैं तो ये जल निगम में नाम ढीली ना है 5 लोग यार सबके आए गए हैं ठीक। तो ये कह रहे हैं कि आप चोरी करते हैं और राशन जो मतलब दुकानों पे बेच लेती हैं जो बच्चों के लिए आता है नहीं। ऐसा कुछ है नहीं नहीं है। हाँ ये खुदाई बेची नहीं है ये खुदाई बेची नहीं है 4,000 तेल दाल बेची नहीं है। तो काम कह रहे हो पहले अच्छा घर पढ़ाओ पहले काम कह रहे हो गुस्सा हो रहे हो क्या काम कह रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चोर चोरी मतलब करता है जब उसके सामने बात कोई करने लगता है तो कांपने लगता है तो ऐसा तो नहीं सच में चोरी है? सही है क्योंकि ये महिला के कहने से आपको साफ साफ सच्चाई तो पता ही चल रही होगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो इस वक्त का माहौल यहाँ पे बना हुआ है ये 9 महिलाएं हैं जमीन पे बैठी हैं जमीनी स्तर की जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं वो वाकई में दिल दहला देने वाली खबर है। क्योंकि पढ़ी लिखी ना होने के कारण जो समस्या इनको झेलनी पड़ रही है वाकई में सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ गए तो जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए ना कि उन्हें अच्छी बात बतानी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन इन महिलाओं का क्या जो है न्याय मिल पाएगा? ऐसा लग रहा है कि इन महिलाओं की जो कोई अधिकारी नहीं सुना है। अच्छा ये बताइए जब अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगी आप?
जमा करके जान छोड़ा दे। इके पर वो सोनी पर प्रधान हाथ धरे हैं तो या कैसा कुदरे या लड़के बाह पकड़ ले जो हम अच्छा ये बात ये गलत बात है। यहाँ पे जो है फैमिली को लेकर के कोई बात ना करिए। ये समझते जो महिलाएं हमारे पीछे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इन महिलाओं का जो गुस्सा है अगर उस महिला को पा जाए तो क्या कर देंगे ये तो आप सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि दो महीने से अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगा लगा करके थक गई है बेचारी बैठी हुई है। कहीं ना कहीं इनको जो है जो पीड़ा है जो दर्द है जो तकलीफ है वो अधिकारियों से है और ये दो जो महिलाएं हैं बिल्कुल गोल गोल घुमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जंगल वंगल सब लाग रहे थे।